बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला है। भिवानी पहुंचे अजय चौटाला ने कहा कि सरकार एसवाईएल नहर को लेकर निरंतरता से काम कर रही है। नहर का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है और उनको चाहिए कि वो हरियाणा को उसके हक का पानी दे। वहीं उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब में बेवजह के प्रस्ताव पारित कर रही है, कभी चंडीगढ़ का मसला तो कभी एसवाईएल का मसला, और ये सब सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। पहले भी हम सुप्रीम कोर्ट से ये केस जीत चुके हैं। सरकार इसमें निरंतरता से जांच कर रही है और जल्दी इसका समाधान कोर्ट के जरिए ही होगा। पंजाब के लोग तो रोजाना बेतुके प्रस्ताव पारित करते हैं, कभी चंडीगढ़ की राजधानी के लिए, कभी सतलुज नहर के लिए, तो उनसे तो कोई उम्मीद की नहीं जा सकती। 5 जगह से अलग अलग रहा और एक सिंगल पैनी भी कहीं से लेता नहीं। अब जो लेते हैं उन लोगों को इस पे विचार करना चाहिए। आप अगर आपकी पक्ष जाना जाएगा तो आप क्या कहेंगे सर? मैंने कह दिया, मैं तो एक सिंगल पैनी भी नहीं लेता। राजस्थान से 2 बार MLA रहा हूँ, लोकसभा में सांसद रहा, राज्यसभा में सांसद रहा और हरियाणा विधानसभा का सदस्य रहा। एक सिंगल पैनी आज तक मैंने ड्रा नहीं की।